हम इंडियंस जब भी कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, चाहे वो 10 लाख की हो, 20 लाख की हो या 50 लाख की हो, एक थॉट हम सबके दिमाग में आता है, वो ये है कि जब हम उसे बेचने जाएं तो हमें उसका एक अच्छा रीसेल वैल्यू मिले। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। आज का वीडियो होने वाला है एक मेड इन इंडिया टाटा सफारी पर, जिस पर हम एक मेड इन इंडिया गरवारे सेल्फ हीलिंग PPF लगाने वाले हैं। वेलकम टू ब्रोटोमोटिव गाइज, मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पेंट प्रोटेक्शन सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है वो है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। अब इसमें हाई क्वालिटी फिल्म से लेके लो क्वालिटी फिल्म, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एज अ क्लाइंट जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी गाड़ी के लिए सही है। जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमारा फोरमोस्ट कंसर्न रहता है कि हम उनको एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन दे सकें। हमारे पास एक सिंपल वैक्स कोट से लेके सिरेमिक कोटिंग और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जैसे हाई एंड ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ज़्यादातर हाई क्वालिटी PPF जो है वो US, फ्रांस, UK ये सब कंट्रीज में बनते हैं और इन्हें जब इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो रिलेटिवली इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है। अब प्रोडक्ट वाइज ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, बट क्योंकि बहुत महंगे पड़ते हैं तो हर किसी के बजट में बैठते नहीं है। इसलिए मैं क्लाइंट्स को आज की डेट में रेकमेंड करता हूं गरवारे सेल्फ हीलिंग PPF, क्योंकि वैल्यू प्रोपोजिशन इसका बहुत अच्छा है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का PPF है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है और यहां से एक्सपोर्ट भी किया जाता है टू US एंड अदर कंट्रीज। अब बात करते हैं कि PPF कैसे आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू बनाए रख सकता है। तो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यूजुअली हमें गाड़ियों के साथ मिलते हैं, स्पेशली इंडियन कंडीशंस में, हम लोग रोज़ गाड़ी क्लीन कराते हैं, गंदे कपड़े से गाड़ियाँ क्लीन होती हैं, उस पर स्वेल मार्क्स एंड स्क्रैचेज आते हैं तो गाड़ी का कलर डल हो जाता है। तो सेल्फ हीलिंग PPF हेल्प करता है हम लोगों को स्वेल मार्क्स प्रिवेंट करने में। इस पर जो स्वेल मार्क्स आते हैं वो थोड़ी भी हीट लगने से अपने आप निकल जाते हैं, तो ग्लॉस लंबे टाइम तक बना रहता है। साथ ही साथ जब हम हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो 80-90 की स्पीड पे यूजली पत्थर आके गाड़ी पे लगता है, और आप भी अपनी पुरानी गाड़ी पर अगर देखेंगे तो बहुत जगह पे आपको छोटे 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 चिपिंग्स मिलेंगे जहाँ पे पेंट डैमेज हो जाता है और बाद में इन्हीं सब एरियाज पे रस्टिंग शुरू हो जाती है। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाने के बाद ये स्टोन चिपिंग्स 100% प्रिवेंट की जा सकती हैं, विच हेल्प्स कीप द पेंट लाइक न्यू। कल को जब आप अपनी गाड़ी बेचेंगे तो आप यही पेंट प्रोटेक्शन फिल्म गाड़ी पर से उतार सकते हैं और गाड़ी को एज ब्रांड न्यू बेच सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट की कई लिमिटेशंस भी हैं। देखिए, जहां पर गाड़ी पर डेंट आ जाता है तो वहां पर PPF आपको हेल्प नहीं कर सकता। एक बार गाड़ी पर डेंट आ गया तो हम लोगों को PPF निकाल के वो एरिया रीपेंट करना ही पड़ेगा। बट देन ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके लिमिटेशंस नहीं है। डे टू डे लाइफ में PPF बहुत हेल्प कर सकता है आपको आपकी गाड़ी की लाइफ मेंटेन रखने में। एज अ प्रोफेशनल मेरा काम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज देना तो है ही, साथ ही साथ अगर मैं आपको वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर कर सकता हूँ तो वो भी मेरी ड्यूटी बनती है। इस गाड़ी पर जो हमने PPF लगाया है वो है लोअर सेक्शन पे, दैट मीन्स विंडो एरिया के नीचे का जितना भी सरफेस है उसको हमने PPF से कवर किया है, क्योंकि यही एरिया ज़्यादातर डैमेज प्रोन रहता है। ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि कंपेयर टू SUVs, हैचबैक्स और सेडान पे PPF की कॉस्टिंग कम आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। SUVs आज के टाइम में ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि नीचे का तो पूरा सेक्शन जो है वो क्लैडिंग रहता है, ब्लैक कलर का नॉन पेंटेड प्लास्टिक सरफेस, और क्योंकि विंडो पैनल एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है तो पेंटेड सरफेस इन जनरल काफ़ी कम बचता है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक सफारी को PPF करने में कम मटेरियल जाएगा कंपेयर टू एक CS। लोअर सेक्शन पे गरवारे सेल्फ हीलिंग PPF करने का कॉस्ट हमें इस गाड़ी पे अबाउट 86,000 प्लस GST आया है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे तरीके के PPF हैं और एज अ कंज्यूमर मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मैं कौन सा कराऊँ, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि आप हमेशा रेप्यूटेड प्रोडक्ट्स अपनी गाड़ियों पर करवाएं।
पीपीएफ देखिए 50-60,000 रुपीज में भी हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे कॉस्ट 86,000 गया है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, और यहाँ पर हमें एक रेप्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल रहा है बाय अ रेप्यूटेड कंपनी। मैं ऐसा फील करता हूँ कि इंडियन मार्केट के हिसाब से एनीवेयर बिटवीन 70,000 to 1 lakh रुपीज इज अ डिसेंट कॉस्ट फॉर अ पेन प्रोटेक्शन फिल्म। और अगर आपकी गाड़ी किसी मेजर एक्सीडेंट में नहीं गई या गाड़ी पर डेंट्स नहीं आए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये जो कॉस्ट आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप अपनी गाड़ी बेचने जाएंगे और पीपीएफ उतारेंगे, तो आपकी रीसेल वैल्यू में ये कॉस्ट निकल जाएगा। और जो सबसे बड़ी चीज ये आपको देता है वो है इज ऑफ माइंड, कि कल को मेरी गाड़ी के आजू बाजू से कोई निकलता है या कोई बाइक टच करके जाती है तो मुझे मालूम है मेरी गाड़ी डैमेज नहीं होगी। हम लोग जब भी नई गाड़ी खरीदते हैं हमारे मन में सबसे बड़ा यही डाउट रहता है कि कोई बाजू से आके मेरी गाड़ी ना घस दे या स्क्रैच ना मार दे, और वो ईज ऑफ माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रियली तोल नहीं सकते। साथ ही साथ कस्टमर जब हमारे पास आए थे तो उन्होंने बोला कि गाड़ी को थोड़ा सा यूनिक भी बनाना है। हमने उन्हें रेकमेंड किया कि आप पिलर्स और छत पे जो है वो ग्लॉस ब्लैक रैप करा लीजिए, उससे गाड़ी थोड़ी सी स्टैंड आउट करेगी। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी पर पीपीएफ कराना चाहते हैं, आई वुड रेकमेंड आप अच्छा पीपीएफ करवाएं, गरवारे इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा भी मार्केट में और अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, आप वो भी करा सकते हैं, बट कॉस्टिंग वाइज दिस इज़ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। आप हमारा वर्कशॉप ब्रोटोमोटिव भी विजिट कर सकते हैं अगर आप ये सर्विसेज हमसे कराना चाहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंक्वायरी फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसे भर के आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल गिव यू अ कॉल बैक। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।